नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझसे अक्सर अभी तक कई लोगों ने कमेंट में पूछा है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये इस वीडियो में मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ बिजनेस आइडिया के ऊपर ही बात होगी, लेकिन वो डायरेक्टली बिजनेस आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप इसको बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों ये कि किसी भी मूवी के लिए कैसे हम लाइसेंस लेंगे, कैसे किसी मूवी का लाइसेंस परचेज करके उसे हम यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे या फिर अन्य कई जगह पर कैसे डाल सकते हैं। तो सवाल का जवाब सिंपल था दोस्तों, मैंने अभी तक जितना रिसर्च किया, जितनी स्टडी की है और जितने भी अभी तक कंपनियों से बात किया, उससे यह निकल कर आया है कि पहले तो आप मूवी का जब लाइसेंस लेते हैं तो आपको वो काफ़ी कॉस्टली आएगा। नॉर्मली 1 लाख 10 लाख 20 लाख या वो करोड़ों में भी हो सकता है या फिर वो हज़ार में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है। हो सकता है वो फ्री में भी आपको मिल जाए, है ना। तो उस पर मैं बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें होता है। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए आप यूट्यूब पर किसी मूवी को लेना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, यानी कि कमाई करने के लिए, तो कैसे आपको मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपको टेलीकास्ट राइट जो होता है, जो भी आप मूवी ले रहे हैं उस मूवी का आपको परचेज करना होगा। करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए अभी कोई भी हाल के ही मूवी के बारे में कोई भी मूवी मान लीजिए आपको बाहुबली मान लीजिए चाहिए, ठीक है। तो आपको बाहुबली गूगल पे डालना है और पता ये करना है कि बाहुबली को किसने बनाया, किस प्रोडक्शन हाउस के तहत वो बना, ओके। वो पता कर लिया, फिर उस प्रोडक्शन हाउस का आपको वेबसाइट ओपन करना है गूगल के थ्रू। उस वेबसाइट पे आपको जाने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट अस में जाना है। लगभग जितनी भी कंपनियां हैं सबके अपने वेबसाइट है, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं सबके अपने वेबसाइट है, और वहाँ पर टेलीकास्ट या वहाँ पर आपको जो राइट्स होते हैं मूवी के, उन राइट्स के लिए कॉलम होता है कॉन्टैक्ट अस में। नॉर्मली आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस में ही वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस का कॉलम होता है, वहाँ पर जाकर आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी होगा उसके थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मेल आईडी में आप अपनी रिक्वायरमेंट, आप अपनी यूज़ लिखकर उन्हें मेल करेंगे तो उसके आपको रिप्लाई आता है, या आप उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप वन टू वन बात करना चाहते हैं तो आप कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बात क्या करना होता है, मान लीजिए यूट्यूब पे अर्निंग के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको करना ये है दोस्तों कि आपको उनको कहना है कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो डालना है आपके मूवी का, या फिर आपके मूवी के कुछ शॉर्ट्स को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे राइट चाहिए ताकि कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आप मुझे ना दें और मैं वीडियो को फेयर तरीके से यूज़ कर सकूं, ओके। जब आप ये करेंगे तो वो आपके पास वो ऑप्शन छोड़ेंगे कि मैं आपको राइट्स दूंगा लेकिन इतने पैसे लगेंगे, या फिर ये शर्त होगा कि आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों ये सब जो चीज़ें होता है ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आप बिगनर हैं ना, तो आपको राइट कोई क्यों देगा फ्री में, उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करके मूवी बनाया तो उस केस में आपको वो पैसे मांगता है, ठीक है। मान लीजिए आप एक सेलिब्रिटी हैं, स्टार है, आपका चैनल काफ़ी ग्रो किया है, तो उस केस में दोस्तों आपको अच्छा खासा पैसा नहीं लिया जाता है, आपको नॉर्मली राइट्स दे दिए जाते हैं इस यह सोच के कि आप डेफिनेटली उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा देंगे, तो उस केस में आपको ऐसे ही राइट्स दे देते हैं, ओके। कभी कभी राइट्स लोग दोस्तों ऐसे भी लेते हैं नॉर्मली अपने पर्सनल यूज़ के लिए और भी कुछ चीज़ों के लिए, तो उस केस में भी आपको कांटेक्ट करना होता है। मतलब मूवी लाइसेंस के लिए आपको डायरेक्ट कोई ऐसा कुछ फॉर्म ऐसा टाइप का अभी कुछ नहीं है, आपको मैन्युअली जिस भी मूवी का आपको लाइसेंस चाहिए उस मूवी के प्रोडक्शन हाउस से, उस मूवी के लीगल ओरिजिनल ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड कंपनी या प्रोडक्शन हाउस से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट आप मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू आप कर सकते हैं, और आप उनको अपनी जो भी आपके यूजर्स है आप उसको बताएंगे तो आपको वो बता देगा, ओके। नॉर्मली सर जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो फॉर्मेट मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप उसको देखने के बाद हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ और जानना हो मूवी लाइसेंस के बारे में, नॉर्मली ओवरव्यू और ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में और भी जानना हो पर्टिकुलर मूवी के बारे में, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भी कुछ इसके इतर किसी लाइसेंस के बारे में या फिर और भी कोई जानकारी यूट्यूब को लेकर, यूट्यूब के चैनल को लेकर है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हम बेझिझक आपसे बात करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हमारा हर वीडियो दोस्तों रिसर्च बेस्ड होता है, इस पर हमने कई कंपनियों से बात की है, कई प्रोडक्शन हाउसेस से बात की है, तब जाकर ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। तो आगे भी हम बने रहेंगे आपके साथ, आप भी बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी ना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।